अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईटेक। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एवोल्यूशन एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उसके साथ माउंट कर्नल के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे पास MI A1 का ऑफिशियल जो स्टॉक रोम था मेरे पास पहले, तो उसकी बैटरी तकरीबन दिन में 8 से 10 घंटे चल जाती थी। तो मैंने एवोल्यूशन एक्स इंस्टॉल किया। एवोल्यूशन एक्स की वैसे एवरेज परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन उसकी बैटरी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, या उतनी लग रही थी जितनी के MI A1 के स्टॉक रोम की थी। तो मैंने क्या किया, उसका जो स्टॉक कर्नल था उसको चेंज करके मैंने माउंट कर्नल इंस्टॉल कर लिया। तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि माउंट कर्नल में मुझे सबसे पहले स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिलता है। स्क्रीन यूजेज सिंस फुल चार्ज जो है वो 2 घंटे 30 मिनट का, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूँ कि मेरी इसकी यूजेज किस तरह से थी। मैंने तकरीबन 96% चार्ज किया था। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें चलाने स्टार्ट की हैं, जिसमें मैंने व्हाट्सएप 2 घंटे 19 मिनट चलाया, 7% उस पर किए, क्रोम गया है, यूट्यूब वेंस्ट पाए और सेलर वीमो, सारी चीज़ें ये मैंने यूज़ की हैं। लेकिन इन सब की परसेंटेज मिला के मेरी ये जो 80% 90% 92% जो कम हो रही है वो इतनी नहीं हो रही, क्योंकि इसके साथ साथ मेरे पास ब्लूटूथ तकरीबन 10 घंटे चल रहा था। इसकी जो ओवरऑल है 12 घंटे, लास्ट फुल चार्ज जो है वो 12 घंटे पहले हुई थी, और इसमें मेरे पास तकरीबन 8 से 10 घंटे अभी भी मेरा ब्लूटूथ मेरी मोबाइल के साथ कनेक्ट है, और तकरीबन 8 घंटे मेरा ब्लूटूथ मेरे ब्लूटूथ हैंड्स फ्री के साथ कनेक्ट था। तो वो ओवरऑल जो इसकी बैटरी ड्रेनेज है वो ब्लूटूथ के साथ, वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि वो भी काउंट होगी तो उसके साथ इसकी जो बैटरी चल रही है वो चल रही है 2 घंटे 31 मिनट। मैं आपको माउंट कर्नल के बारे में बता दूं, अबाउट फोन और मॉडल, सॉरी, एंड्रॉयड वर्जन, ठीक है। इसमें मेरे पास जो कर्नल वर्जन है 4.9.216 माउंट कर्नल 10.0 प्लस, जो कि मार्च 2015 का है, और ये एंड्रॉयड वर्जन 10.0 पे कंपेटिबल है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज जो है वो सितंबर 5, 2020 की है, और ये एवोल्यूशन एक्स एंड्रॉयड वर्जन 10 चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ब्लूटूथ को मैं काउंट ना भी करूं तो भी 2 घंटे 30 मिनट जो है वो मेरे हिसाब से कम टाइमिंग है, इसलिए माउंट कर्नल मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है और एवोल्यूशन एक्स की परफॉर्मेंस ओवरऑल बेहतर है। तो अभी मैं कोई दूसरा कर्नल इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद उसके बारे में आपको रिव्यू दूंगा कि MI A1 में कौन सा कर्नल जो है वो अच्छा चलता है। तो आप देखते रहें, मेरे साथ बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।